डॉक्टर फारूक सत्तार का पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ने का मामला। खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार के दरमियान मुलाकातें बेसूद रहीं। एमक्यूएम ने NA 245 के ज़मीनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ईस्ट मोहित अनवर को NA 245 का टिकट दिया गया। एमक्यूएम ने बारिशों के बाद भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। हिदायत जारी की गई है कि बारिशों में कारकुनान, जिम्मेदारान, बल्दियाती उम्मीदवार इलाकों में फाल रहें। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार की एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की आज एक और अहम मुलाकात मुतवक्के है। डॉक्टर फारूक सत्तार का पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ने का मामला। खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार के दरमियान मुलाकातें बेसूद रहीं। एमक्यूएम ने NA 245 के ज़मीनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ईस्ट मोहित अनवर को NA 245 का टिकट दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।